दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड में बाढ़ से हुए बेघर पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आगे आए समाज सेवी संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। उन्होंने किरतपुर सिमरी झगरुआ तरवारा झगरुआ पुरनवास जमालपुर छिलकोरा सहित दर्जनों गांव में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को सूखा राहत चूरा गुड़ माचिस मोमबत्ती दाल बूट बिस्कुट वितरण किया। समाज सेवी श्री सिंह ने बताया कि किरतपुर प्रखंड के आठों पंचायत के स्थित बहुत ही भयावह है, लोग बेघर हो गए हैं, घरों में पानी आ जाने से उन्होंने ऊंचे स्थल पर शरण ले लिए हैं। जो प्रशासन का मदद मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं समुदाय किचन के लिए लोगों को बीच चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से फेल है, सरकार कहती है कि लोगों को सहायता मिल रहा है, बाढ़ राहत मिल रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रहा है। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। से तो देखबे करे छी जे समस्या छै से तऽ क्या सामने छै क्या बोलिए ना बोल दे छी हमरा से भी आइ जन एकटा दूटा कॉल दे दियो। पप्पू सिंह ने कहा कि किरतपुर प्रखंड में भले ही सरकार के द्वारा कई सामुदायिक रसोई किचन चलाए जा रहे हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। यहां पर लोगों को सहायता नहीं मिल रही है, जिसको लेकर के हम जिला प्रशासन से भी इनकी शिकायत करेंगे ताकि लोगों को सामुदायिक किचन का लाभ मिल सके, क्योंकि लोग दाने दाने को मोहताज हैं। हर साल बाढ़ की भयावह स्थिति को यहाँ के लोगों ने झेलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो सका। यहाँ से चुनाव जीतकर कई लोग पटना तक के और मंत्री तक का सफर तय किए हैं, लेकिन यहाँ किरतपुर के लोगों को घर से बेघर होने पर मजबूर कर दिए हैं। सरकार तमाम विकास की वादा करते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई भी विकास नहीं हो पाया है। अगर विकास होता तो लोग आज बेघर नहीं होते, दाने दाने के लिए मोहताज नहीं होते। सरकार के द्वारा चलाई जा रही सामुदायिक किचन के बावजूद भी यहाँ के लोगों को एक आना भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। यह काफ़ी दुखद है। इसको लेकर के हम जिला प्रशासन को ज़रूर अवगत कराएंगे और दोषी लोगों पर कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि जब तक हम समाज के बीच आते हैं तो कई बार इस तरह को देखने को मिलता है। लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ कोई भी सरकारी लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है लोगों के बीच यातायात का असुविधा है, लोग पैखाना का असुविधा है, चापाकल का असुविधा है, पानी पीने के लिए लोगों के पास व्यवस्था नहीं है। इतना लगभग 200 परिवार है यहाँ, मात्र 2 चापाकल है यहाँ, और इसी सड़क के किनारे लोग अपना बाथरूम जाते हैं लोग। ये सबसे बड़ी समस्या है, प्लस लोगों को जाने आने के लिए नाव की व्यवस्था जो चाहिए वो नहीं है। एक आध दो नाव है यहाँ पर, देख रहे। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की है जो 10 गांव इधर 20 गांव कोसी के पेट में बसा हुआ है, जो यहाँ एक पुल का डिमांड यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया है, जो यहाँ बहुत आवश्यक है। सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे हम कि यहाँ पर एक पुल की व्यवस्था हो। आपका नाम? मेरा नाम पप्पू सिंह।